हेलो गाइस गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नोकिया के बारे में, जहां पर एक खबर आ रही है कि नोकिया अपना 6.1 और 5.1 के बाद अब नोकिया लॉन्च करने जा रहा है 7.1 प्लस। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नोकिया 6.1 और नोकिया 5.1 और नोकिया 7 ने बहुत ही ज्यादा तहलका मचा दिया था मार्केट में और बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आया था नोकिया। तो उसी के बाद अब नोकिया लेके आने वाला है 7.1 प्लस, ठीक है। तो अभी जो है इसकी खाली एक इमेज लीक हुई है, बाकी अभी कोई भी इसकी मतलब खास डिटेल अभी तक नहीं आई है कि नोकिया इस बार 7.1 प्लस में क्या क्या हमें दे रहा है। वो तो आने वाले कुछ दिन में ही पता चलेगा कि नोकिया 7.1 प्लस में क्या खास लेके आया है नोकिया यूजर्स के लिए, पर अभी तक तो खाली इतनी रिपोर्ट आई है कि नोकिया 7.1 प्लस आने वाले कुछ दिनों में लॉन्च कर दिया जाएगा और लॉन्च करने के बाद आपके पास अवेलेबल भी हो जाएगा। तो अभी तक तो खाली इतना मुझे पता है कि शायद इसमें आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है वो स्नैपड्रैगन 660 का मिल रहा है, और इसके अलावा जो उसकी जो स्क्रीन है वो आपको फुल डिस्प्ले नॉच मिल रहा है, नॉच के साथ आपको डिस्प्ले मिल रहा है। यही दो चीज़ अभी तक तो खाली आई हैं, लीक हुई हैं, बाकी इसके अलावा अभी तक कोई भी डिटेल लीक नहीं हुई है। और डिटेल लीक होने पर मैं आपको ला के बता दूंगा कि आपकी क्या मतलब खास बात इस बार दी है 7.1 प्लस में नोकिया ने, तो वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पर अभी जो सबसे खास बात है वो है नोकिया 7.1 प्लस का आना, क्योंकि जब वो मार्केट में आएगा तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा तहलका मचा देगा, क्योंकि जैसे 6.1 और 5.1 ने तहलका मचाया था वैसे ही आने वाले दिनों में 7.1 प्लस भी आके तहलका मचाएगा। तो गाइस बस वेट रहेगा 7.1 प्लस आने का। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ उसे शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा तुरंत। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।